आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग को ऑन कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए डायल पैड ओपन करेंगे तो इसमें आपको राइट साइड के टॉप पर ये जो डॉट का ऑप्शन है ना, डॉट पे टैप करना है, तो आपका ये छोटा सा पेज ओपन होता है। इसमें आपको एक कॉल सेटिंग पे टैप करना है। अब आपका पेज आता है, इस पेज में नीचे की साइड ये कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आपको टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में दो ऑप्शन मिलते हैं, वॉइस कॉल वीडियो कॉल, तो इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें भी आप कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल करना चाहते हैं। अगर दोनों में करना है तो दोनों में भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके। तो देखिए जो प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा ना, वही सेम प्रोसेस आपका दूसरे ऑप्शन में भी काम करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं वॉइस कॉल पर टैप कर लेता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है ना पेज और रीडिंग सेटिंग होगा, तो ये थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए रीडिंग सेटिंग हट गया ना। अब आपको करना क्या है, इस पेज में सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड पर टैप करना है, तो आपका पेज आता है ऑलवेज फॉरवर्ड का छोटा सा। अब यहाँ पर आपको कोई भी एक नंबर यहाँ पे एंटर करना है। आप चाहे तो कॉन्टैक्ट का जो आइकन है इसे टैप करेंगे तो आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी, आप वहां से भी कोई एक नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पे कौन सा नंबर एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर छोड़कर किसी दूसरे का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए अपने फैमिली का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर लिया। अब यहाँ पर आपको करना है, ये नंबर एंटर करने के बाद आपको ऑन का बटन है टर्न ऑन, इसे टैप करना है, तो आपका यहाँ पर थोड़ी देर में ये अपडेट कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और आपका ये जो सबसे ऊपर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना ऑलवेज फॉरवर्ड, इसके नीचे देखिए लिखा हुआ आएगा फॉरवर्डिंग ऑल कॉल टू मुकेश। जो नंबर मैंने एंटर किया था ना, वो नंबर मेरे मोबाइल फोन में मुकेश नाम से सेव है, इसीलिए यहाँ पर ये मुकेश लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है इनेबल हो जाती है। अभी ये सेटिंग इनेबल होने के बाद काम कैसे करती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब कोई भी पर्सन जो है ना, अब मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करेगा तो वो कॉल मेरे नंबर पर नहीं आएगा, वो कॉल सीधा इस वाले मुकेश वाले नंबर पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है इनेबल करने के बाद, ठीक है।